एकदम से ना तीखी और चटपटी सा खट्टी और मीठी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत एकदम से ना एक बार बनाकर खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। तब यहाँ पर ले लिए हैं आम, कुछ आधा सा काट कर लिए हैं टुकड़ा टुकड़ा में, लंबाई पीसेस में। ये देखिए दिखा रहे हैं। और लहसुन का कलिया है, पुदीना है, और दो सूखी मिर्च है, 1 इंच अदरक के टुकड़ा है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 2 चम्मच चीनी है और आधा छोटा चम्मच नमक है। तब इसको हम पीसेस में आम को काट लिए हैं दोस्तों। तो इसे क्या होगा कि बहुत बेहतरीन जो चटनी है, एकदम से आम की चटनी बहुत एकदम बहुत बेहतरीन झकास बनकर तैयार होती है। एकदम से ना आप खाएंगे तो मुंह ना पो तरमताजा हो जाएगा। तब इसको हम बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से, देसी तरीका से, वो भी सिलौटे पर बनाएंगे। तो जी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज हम बहुत बेहतरीन एकदम से देसी स्टाइल चटनी के, आम के चटनी की रेसिपी लेकर आए हुए हैं। तो जी आप लोग पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरा चटनी की रेसिपी आप लोग की अच्छी लगती होंगी तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर ये रेसिपी शेयर करिएगा। अपने प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोग के कैसी लगती है। तो आइए हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो जो सील है इसको आंगन में रखे हैं हम, सील को अच्छे से साफ कर लिए। अब जो आम है ये टुकड़ा पीसेस में काट के रखे हैं, और अदरक, अब जो अदरक के टुकड़ा है वो अब इसको साइड में थाली को रख लेते हैं। अब उठाते हैं लोहा इस करके, और इसको पूरा कुटाई पिटाई कर लेते हैं। जो हम है कुटाई कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया से जो चटनी है अच्छे से बन जाता है दोस्तों। पीसने में परेशानी नहीं होता है, एकदम से ना आसानी रहता है बनाने के तरीका। तो बढ़िया से इसको कुटाई कर लेते हैं आम को, कतरा को। तो ऐसा ही देखिए पूरा इसको उठा उठा कर लोहा से एक हाथ से पकड़ कर इसको फूकना है, साइड साइड से एक 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 लेकर। ऐसा बनाएंगे तो आप रोटी के भी साथ खाएंगे चटनी तो अच्छा लगेगा। जो सत्तू है सत्तू के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा, चावल के साथ भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा, भजिया पकौड़ा खाएंगे उसे भी अच्छा लगेगा, भजिया पकौड़ा के भी साथ, समोसा के भी साथ ये चटनी बहुत बेहतरीन लगता है। ये चटनी आप किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। तो आम तो कूट लिए, अदरक भी इसी में कूट लेते हैं पूरा। इसको सील पर के कुछ स्वादे अलग होता है दोस्तों, एक बार जरूर आप लोग बनाकर खाइएगा। ऐसा चटनी तीखी और मीठी और चटपटी सा खट्टी सा। तब जो मिर्ची है दो इसको डाल लिए हम, अब जो लहसुन के कलिया है वो डाल लेते हैं साइड में एक, जितना पुदीना के पत्ता, चीनी, मिर्ची और नमक है इसको हम आम के ऊपर डाल लेते हैं। डालकर पहले जो लहसुन और मिर्ची है इसको हम अच्छे से रगड़ के पीस लेते हैं। आप इसको ब्रेड के भी साथ चटनी को खा सकते हैं, बहुत बढ़िया चटकार चटपटी सा खट्टी मीठी लगती है चटनी। एक खाएंगे चटनी ब्रेड में लगाकर तो बोलेंगे कि वाह क्या चटनी है, यही बनाकर खाया जाए। तो अच्छे से पीस लेते हैं इसको, तो बढ़िया से पूरा पीसना है, पूरा रगड़ रगड़ के पीसना है इसको चटनी को। तो चटनी को दोस्तों वीडियो कितना भी हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, मेरा चैनल में पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख लेना, वो भी चटनी बहुत बेहतरीन है। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा कि सबसे पहले वीडियो हम डाले तो आप लोग के मोबाइल में नए नए नोटिफिकेशन जा पाए कि आप लोग नए रेसिपी के आनंद उठा पाए। तो बढ़िया से इसको रगड़ते हुए पीस लेते हैं एकदम से ना दोस्तों, एकदम से ना जो चटनी है बहुत बेहतरीन लगती है, एकदम से ना मन तरमताजा हो जाता है इसको खाकर। जरूर बनाइएगा आप लोग। आम कच्चा भी रहेगा तो चलेगा, उससे भी बढ़िया बनता है। ये आम हम आधरसा लिए हैं, तो बढ़िया से इसको रगड़ते हुए पीस लेते हैं अच्छे से।
बस इसको मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं, मगर जो सील पर के चटनी है बहुत बेहतरीन लगता है पत्थर पर के कोई भी सामान पीसा हुआ। आपके साथ कितने चटनी के रेसिपी हम शेयर किए हैं, सीले पर पीस के किए हैं शेयर, बहुत बेहतरीन लगता है। ऐसा ही इसको हल्का हाथ से लोढ़ा के पकड़ना है, हल्का हाथ से इसको दबाते हुए बस इसको पीसना है, एकदम से आसानी से ये पीस जाता है। चीनी इसमें दोस्तों डाले हैं चटनी में, एकदम से ना चार चांद ला देती है चीनी, बहुत बढ़िया बेहतरीन चीनी फ्लेवर देती है, स्वाद देती है, बहुत अच्छा लगता है चीनी से। जरूर एक बार आप लोग डाल कर बना कर खा कर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये लीजिए पीस लिए पूरा लोढ़ा है, तो इसको साइड में हम रख लेते हैं। जो चटनी है तो देखिए देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत बेहतरीन। तो इसको एक हम बर्तन में निकाल लेंगे, उठाएंगे एक बर्तन में। अब इस पर दोस्तों चटनी पर कोई तड़का वगैरह नहीं लगाना है, ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है जो आम की चटनी है, खट्टी मीठी चटपटी सा। तब एक बर्तन में इसको हम उठा लेते हैं, ले लेते हैं सील पर से। देखिए ऐसा ही उठाते हैं पीस कर, साइड में कोई भी कटोरा वगैरह लगा लीजिए, फटाफट ऐसा हाथ से छलका लेंगे तो आ जाएगा खुद पर खुद। तो दिखा देते हैं आपको नजदीक से थोड़ा, ये देखिए दिख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है, खुशबू इसमें से बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ये लीजिए दोस्तों एकदम से ना हमारा एकदम से ना खट्टी मीठी चटपटी से चटनी बनकर आम के तैयार है, बहुत बेहतरीन। ये देखिए कितना अच्छा, और आपको हम पास से दिखा देते हैं कि कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है चटनी। ये लीजिए ये देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए दिखा देते हैं और नजदीक से हम, ये देखिए दिख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, कुछ भी की भी साथ इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है दोस्तों। एक बार जरूर आप लोग बनाकर खाइएगा चटनी। अगर दोस्तों एक खट्टी मीठी चटपटी चटनी की रेसिपी आप लोग अच्छी लगती होंगी तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर ये चटनी की रेसिपी शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खट्टी मीठी चटपटी सा चटनी की रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।